Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I Miss Prayagraj. So let's start with the set number 18 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from previous year SimCats, and this set is on a basic puzzle of maximum minima. And the set says four friends, namely Manu, Nitin, Piyush, and Vijay, decided to claim Dart Master, in which each one of them got to shoot exactly 24 darts on board. One can score either 0, 1, 2, 4, or 6 points depending upon how close can he shoot the dart to the center of the board. Every time a player is unable to make a contact of dart and board, then a penalty of 1 point is deducted from the score of the player. There is no other way to score points. None of them got dismissed during the 24 hit. Following table gives the partial information about the scoring chart of these four players. Manu, Nitin ka dart table diya hua, jahan pe information hai regarding their darts. ठीक है, so basically एक maximum minima set है, जहां पे चार अलग अलग player की बात हो रही है और चारों जो है एक dart masters करके game खेल रहे हैं और चारों को dart जो है board पे मारना है. If they are able to shoot the dart on the board, तो उनको क्या scores मिल सकते हैं? 0, 1, 2, 4 और 6 में से कुछ मिल सकता है, depending on how close they are able to shoot to the center of the board. And अगर dart को board के बाहर मारते हैं, यानी कि वही लिखा ना कि dart and board का कोई contact नहीं होता, तो अगर वो बाहर मारते हैं, तो उनको क्या है? एक point से penalize किया जाएगा, यानी उनका जो total score होगा, उसमें से minus 1 करा जाएगा. ठीक है? अब जो टेबल भी दिया वहां पे भी ध्यान दो, तो मनु के लिए क्या दिया हुआ है, उसने 17 डार्ट है जो कि उसने बोर्ड पे मारी है. ठीक है, तो टोटल मनु की कितनी डार्ट थी, 24 में से 17 मारी, यानी कि 7 डार्ट ऐसी हैं जो कि मनु बाहर मार रहा है. ठीक है, एंड ये 17 ऐसी हैं जो कि इधर 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 कहीं नंबर में आना चाहिए. उस 17 में से 3 का पता है अपने को, 14 डार्ट का वी हैव नो आइडिया. मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन के हिसाब से उनको कहीं नंबर को पुट करना पड़ेगा. सिमिलरली फॉर नितिन वी हैव 24 डार्ट, जिसमें पता ही नहीं कि वो कितने डार्ट मार रहा है. ठीक है, इतना पता है कि भाई साहब ने 5 डार्ट यहां मार दिए, 4 डार्ट यहां मार दिए, रिमेनिंग 5 4 9 के अलावा 15 डार्ट है, उनका क्या हिसाब किताब है नहीं दिया हुआ है. इट कुड बी अ चांस जहां पे 15 की 15 बाहर चली जाए, या 15 के 15 में से कुछ ऐसी हैं जो अंदर गई हैं 6 पे, कुछ 1 पे गई हैं, कुछ 4 पे गई हैं और कुछ बाहर चली गई हैं. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. फॉर प्यूश इट इज 15 है जो वो मार रहा है, यानी कि -9 होना ही चाहिए, यानी कि यहाँ जैसे -7 था तो यहाँ -9 भाई के लिए होने वाला है. एंड विजय के लिए 24 में से अपने को पता है कि 12 डार्ट का अपने को नंबर्स दे दिया गया, 12 डार्ट है जिसका अपने को आइडिया नहीं है. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, ऐसे क्वेश्चंस में तुरंत से क्वेश्चन पे जंप करो एंड उसके बेसिस पे चीजों को क्रैक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल स्कोर ऑफ मनु एंड पीयूष कंबाइंड. मनु और पीयूष का कितना मिनिमम पॉसिबल स्कोर होगा. अब यहाँ पे ऐसे सेट्स में मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का लॉजिक क्या होने वाला है. मैक्सिमम स्कोर कब बनेगा, जब मैं ज्यादा से ज्यादा जो स्कोर मिलने वाला है वहां पे मल्टीप्लाई करा दूंगा. मतलब जो मनु की रिमेनिंग डार्ट है वो सब कुछ 6 से हिट करा दूं, तो भाई का मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा. एंड मिनिमम स्कोर कब मिलेगा, जब मैं उनकी जो बची हुई डार्ट है उनको या तो 0 से मल्टीप्लाई कराऊं या -1 से कराऊं, दो मेरे लिए हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं. जैसे मनु के लिए अपने को पता है कि 7 तो पता है कि 7 ऐसे हैं जो कि मनु नहीं खेला, तो -7 तो ऑलरेडी वो बोरो कर चुका है. ठीक है, लेकिन पता है कि 17 तो वो शूट कर रहा है बोर्ड में. अब उस 17 का जो बचा हुआ नंबर है, जितना मेरे को स्पेस बचेगा उतना मैं क्या करूंगा, 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा. यानी कि 17 में से मेरे को पता है कि 3 डार्ट ऐसी हैं जो कि उसने 4 पे हिट करी, यानी कि +12. ठीक है, रिमेनिंग 14 को क्या करूं, 14 को मैं अगर इधर देता हूं तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर जाएगा, इधर दूंगा तो भी बड़ा नंबर जाएगा, इधर दूंगा ये भी बड़ा नंबर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 14 को मैं 0 से कर दूंगा. उससे क्या होगा, मेरे को मिनिमम मनु का स्कोर निकल जाएगा 5. सिमिलरली आई कैन कैलकुलेट फॉर पीयूष ऑल्सो. फॉर पीयूष इट इज ऑल्सो गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन की -9 तो होने वाला है, बिकॉज पीयूष ने 15 डार्ट है जो बोर्ड पे मारी, यानी 9 नहीं मारी है, तो -9 तो उसने पहले ही ले लिया. उस 15 में से एक ऐसा है जो कि 4 पे कर रहा है और एक ऐसा है जो कि 6 पे कर रहा है, यानी कि रिमेनिंग 13 का क्या करा जाए. 13 को 2s पे करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, 1s पे करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 13 को यहां पे करा देंगे, यानी कि 0 हो जाएगा. यानी कि इसका स्कोर क्या बन जाएगा, मिनिमम 1, यानी ओवरऑल इनका स्कोर बन जाएगा 6. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लॉजिक हमने यूज करा, जितने मतलब ज्यादा से ज्यादा पहले तो उनसे माइनस करा लिया. सिंस मनु और पीयूष दोनों के केसेस में अपने को पता था कि कितना माइनस होने वाला है, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं थी. मेरे को जो रिमेनिंग डार्ट अवेलेबल थी मैंने क्या करा, सब 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, सो एज टू मिनिमाइज हिज स्कोर. अगर यही चीज मैक्सिमम में पूछा होता तो मैं क्या करता, जो भी डार्ट इसकी बची सबको 6 से मल्टीप्लाई करा देता. फॉर मनु पीयूष के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करा था. क्यों 2 से मल्टीप्लाई करा था, बिकॉज यहाँ पे 1 का नंबर दे दिया और 1 का नंबर आप
डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब जो रिमेनिंग ये 13 है ये मैं यहां ले जाता अगर मेरे को मैक्सिमम पूछा होता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर टू पे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर टू पे बोला हुआ है, विजय स्कोर द लीस्ट पॉसिबल पॉइंट इन 24 डार्ट्स, ऑल्सो मनु स्कोर मोर देन विजय, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हिट बाय मनु, ठीक है। पहले तो अपने को विजय का मिनिमम पॉसिबल स्कोर निकालना पड़ेगा, तो विजय का मिनिमम पॉसिबल स्कोर यहाँ पे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो एक कैच है जहां पे ज्यादातर लोग गलती करते हैं, 24 डार्ट्स अवेलेबल थी विजय के लिए, ठीक। विजय इस 24 में से कितनी डार्ट है जो स्किप करा सकता है, 24 के 24 करा सकता था क्योंकि यहाँ पे तो नंबर दिया ही नहीं है, लेकिन 24 में से कुछ डार्ट है जो उसने बोर्ड पे हिट करी एंड ही हैज स्कोर्ड, जिसमें से 8 है जो उसने हिट करी करी यानी कि 8 है ही है, और 4 है जो करी करी यानी कि 24 तो आ रखा है, यानी कि रिमेनिंग 12, 8 और 4 12, रिमेनिंग 12 ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे स्किप करा सकता हूँ, ठीक है। स्किप कराने का मतलब मैंने क्या करा, -12 दे सकता हूँ, ठीक। फिर से समझा रहा हूँ ये पॉइंट, मैंने क्या करा 24 में से मेरे को जो नंबर मिला हुआ था जो एकदम मिनिमम पॉसिबल नंबर था, क्योंकि ये यार ये तो इसने कर दिया ना, ये 12 डार्ट का तो अपने को पूरा दे दिया कि भाई 12 डार्ट तो ये खेल ही रहा है, रिमेनिंग 12 है जो कि अपने को सोचनी थी, तो मैंने क्या करा उस 12 को स्किप कराना प्रेफर करा रेदर देन गिविंग दैट टू जीरो, एलोकेटिंग दैट टू जीरो। अगर मैं जीरो पे देता तो उसका स्कोर क्या बनता, 32, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने ये नहीं लिया, मैंने इनको स्किप कराया और इसमें और स्कोर माइनस करके विजय का स्कोर बन गया 20, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो मनु स्कोर मोर देन विजय, मनु का जो स्कोर है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। 20 से ज्यादा होना चाहिए यानी इट कुड बी 21, 22, 23, जो भी पॉसिबल है वो करना पड़ेगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हिट बाय मनु, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ, ज्यादा से ज्यादा मनु जीरो कितनी हिट करेगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है, हमें 20 से बड़ा भी करना है और मनु का जो स्कोर है वो जीरोस में भी लेके जाना है, ठीक। मनु का अभी स्कोर कितना दिया हुआ है, मनु का अगर अभी तुरंत स्कोर कैलकुलेट करें तो अपने को क्या पता है, मनु का -7 तो हो ही रहा है, ठीक है, और +12 तो हो रहा है, यानी कि मनु का जो अभी गिवन स्कोर है 5 का स्कोर तो मिल गया है। नाउ आई एम लेफ्ट विद दी 16 का स्कोर, मतलब मेरे को 16 के ऊपर का स्कोर बनाना है, ठीक है। अब मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जीरो देने, ज्यादा से ज्यादा जीरो देने का मतलब आई एम लेफ्ट विद कितना 14 डार्ट है जिसके लिए मैं हिसाब किताब देना बाकी है मेरे को। अगर मैं 14 की 14 यहां दे देता हूं तो पंगा क्या है यार, मनु का स्कोर तो 5 आ जाएगा और मनु का स्कोर क्या था, ग्रेटर देन 20 बनाना था। अच्छा तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं ज्यादा जीरो को भी देना चाहता हूँ और कम बॉल्स मतलब कम हिट में मैं ये 16 का नंबर अचीव करना चाहता हूँ, तो वो तभी पॉसिबल है मैं जब यहाँ पे 3 नंबर यहाँ दे दूँ, ठीक है। 3 नंबर यहाँ देने से क्या हो गया, मेरा बन गया यहाँ पे 18 का स्कोर, यानी कि इसका स्कोर बन गया 23 विच इज मोर देन 20, और मेरा यहाँ बन गया 11। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, अगर और पॉसिबिलिटी में जाते हो, मतलब अब यू में से कि सर आपने 20 के ऊपर बोला था, व्हाई नॉट 21, वी कैन ऑल्सो गो फॉर 21, ठीक है। बनाते हैं जरा सोचते हैं, अगर 21 बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो यहां दोगे, ठीक है। रिमेनिंग जो 9 का स्कोर है वो कहाँ दोगे, उसके लिए तुम्हें इनका यूज करना पड़ेगा, यानी कि 4 यहाँ देना पड़ेगा और 1 यहाँ देना पड़ेगा। इस चक्कर में जो तुम्हारी 40 थी उसमें से 2 4 8 यानी कि 2 4 6 1 7 7 बॉल तुम्हारी उधर निकल गई और यहाँ पे 7 जीरोस आएंगे, और तुम्हें क्या करना था, कंडीशन क्या दी थी, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कराने थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तब होंगे जब बाकी जगह पे मिनिमम नंबर्स बैठे होंगे, बाकी जगह पे मिनिमम नंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं अगर 3 बॉल देता हूँ 6 पे, 6 स्कोर पे 3 डार्ट दे देता हूँ, तो दिस विल बिकम 23 एंड मेरा जो कंडीशन है वो दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए फॉर हिटिंग, मतलब 20 से ज्यादा का स्कोर भी बनाना है और ज्यादा से ज्यादा ये भी करना है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ पॉइंट स्कोर्ड बाय ऑल द प्लेयर कंबाइंड इफ ईच वन ऑफ देम स्कोर्ड एन इवन नंबर ऑफ पॉइंट, मैक्सिमम भी करना है और उनका इवन नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कैसे करेंगे, चलो मनु के लिए पहले निकालते हैं। मनु का पता है -7 तो भाई लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। +12 लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज का तो हिसाब किताब दे रखा है। अब रिमेनिंग जो डार्ट है इसकी, उसको क्या करा जाए, रिमेनिंग डार्ट कितनी है, 14 डार्ट बाकी इसके लिए, ठीक है।
14 डार्ट में क्या करा था, 14 इंटू यहाँ कर सकते हैं 46 है, 84 कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ये इवन नंबर नहीं बनेगा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक इधर दे दें और एक इधर दे दें, ताकि वो जो एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से हो जाए कि आपका इवन नंबर बन जाए, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो कितना दे दें यहाँ पे 14 का हिसाब, 13 दे दें यहाँ पे, एक दे दें यहाँ पे, यानी कि 13 6 78 और प्लस 1, यानी कि कितना हो गया, 78 प्लस 12 कितना हो गया, 90 प्लस 1 91 माइनस 7 यानी कि 84। मनु के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल निकाल सकता था वो निकला 84। नितिन के लिए जरूर इसी तरीके से कैलकुलेट करा जाए। अब नितिन के साथ क्या है, अपने को कितनी उसने हिट करी है यही नहीं पता अपने को। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए जो बची हुई डाट है मैं सब की सब उसकी 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, और अगर मेरे को मिनिमाइज करना होता तो सबकी सिर्फ स्किप करा देता। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को 24 में से अपने को 5 का पता है, 4 का पता है, यानी कि 4 2 8, ठीक है, 5 4 9, रिमेनिंग 15 का क्या करा जाए, रिमेनिंग 15 का मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देता हूँ, यानी कि 15 × 6 यानी कि 15 × 6 90, यानी कि नितिन के लिए आ गई 98। सिंस इवन नंबर मेरे को एक शॉट में मिल गया है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15 ले लिया, 15 × 6 98 आ गया इसका। पीयूष के लिए चलो इसी तरीके से ट्राई मारा जाए, पीयूष के लिए क्या पता है, -9 तो आने ही वाला है, ठीक है, -9 के अलावा 15 डार्ट है जो वो करने वाला है, जिसमें से एक पता है 6 होने वाला है, एक 4 होने वाला है, यानी कि 6 और 4 तो अपने को पता है, ठीक है, -9 भी पता है। अब प्लस क्या करा जाए कि अपने को एडजस्टमेंट ऐसा करा जाए कि ऑड वैल्यूज भी इवन हो जाए, अगर मैं सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वैल्यू ऑड बन जाएगी, तो एक ऑड नंबर को लूंगा ताकि वो एडजस्ट हो जाए इवन नंबर के लिए, यानी कि मेरे को पास कितनी बची, 15 में से 2 चली गई, यानी आई एम लेफ्ट विद दी 13, सो 13 में से 12 यहाँ दे दूंगा और एक यहाँ दे दूंगा, यानी कि 24 और प्लस 1, तो कितना बन गया, 24 प्लस 1 10, 25 25 और 25, और इधर -9 कर देंगे तो 16 16, और ये हो गया 26। अच्छा विजय की बात कर लें तो विजय के लिए मैक्सिमम कितना बन सकता है, 24 डार्ट में से अपने को यहाँ पे यही नहीं दिया कि कितनी डार्ट वो हिट कर रहा है, ठीक है, और कितनी हिट कर रहा है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 4 का यूज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे तो अपने पास 6 अवेलेबल था तो मैंने कर दिया, बट यहाँ पे 6 का फ्रीज है 4 का नंबर, तो यहाँ पे जितनी है वो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 8 4 12, तो बचे हुए 12 मैं यहाँ दे दूंगा, यानी कि 8 + 48 + 24, ठीक है, 4 6 24 + 12 4 48 + 8, इधर 12 8 20 और 24, यानी कि इसका स्कोर आ गया 24 और 78 72, ठीक है, +80 मतलब +8 80, ठीक है, इसका स्कोर बन गया 8 और 4 12, 12 और 6 18, कैरी 1 1 9 9 18 18 और 2 20, 20 और 8 28, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कितना होना चाहिए, 288 होना चाहिए इन सबका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हुआ है, व्हाट कैन बी दी मैक्सिमम, एक मिनट एक जगह बना लेते हैं यहाँ पे, व्हाट कैन बी दी मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट ऑफ विजय, मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट ऑफ विजय इफ इट इज नोन दैट हिज स्कोर वाज अ प्राइम नंबर। अच्छा, विजय का मैक्सिमम स्कोर भी निकालना है और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, इसके लिए लॉजिक क्या सोचोगे, पहले तो सबसे बड़ा नंबर निकालो मैक्सिमम पॉसिबल, हो सकता है कि तुमने मैक्सिमम पॉसिबल कैलकुलेट करो और वही प्राइम नंबर निकल गया, तब तो तुम्हारे लिए पूरी कहानी आसान हो गई, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे क्या बन सकता था, 24 में से 8 और 4 का अपने को पता है विजय के लिए, यानी कि 8 पता है, यानी कि 24 पता है, ठीक है, 32 का तो अपने पास सीन है। अब क्या है, रिमेनिंग मतलब 12 डार्ट्स हैं इसके पास, रिमेनिंग 12 डार्ट्स हैं, तो 12 के 12 यहाँ दे दें, एक पॉसिबिलिटी ये थी, अगर 12 यहाँ देता हूं तो क्या होता है, 12 4 48, यानी कि 80 तो भाई का पॉइंट बन जा रहा है, यूजिंग दी 24 डार्ट्स, 80 का पॉइंट तो बन ही जा रहा है, ठीक है। अब 80 से छोटा क्या है, 79 एक प्राइम नंबर होता है, 73 होता है, 71 होता है, एंड सो ऑन। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 79 तो यार देखो पॉसिबल ही नहीं बना पाना, क्यों, क्योंकि मैं 12 से अगर एक भी कम करूंगा, मान लो इसको 11 भी करूंगा, तो डायरेक्ट उसका जो स्कोर का इंपैक्ट है वो 4 से कम होना शुरू हो जाएगा, यानी 79 तो पॉसिबल नहीं बना पाना। क्या 73 पॉसिबल है, चलो इसके अराउंड सोचना है, 73 बनाने का मतलब
इधर मेरे को 32 मिल गया, 32 में से 73 माइनस कर देंगे तो मेरे को 41 का स्कोर है जो बनाना बाकी है यूजिंग दी गिवन ऑप्शन, जीरोस और टूज और फोर्स का हिट करके, फोर्स का यूज करके, ठीक है। तो ऑल्सो वॉट आई कैन डू इसकी माइनस वन का भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऑड बनाना है। अब क्या प्रॉब्लम है ना, मेरे पास जो रिमेनिंग डार्ट्स हैं वो कितने, 12 डार्ट्स हैं, मेरे को 12 डार्ट यूज करके 41 बनाना है, क्या ये पॉसिबल है, मेरे को ये सोचना है बस। अगर मैं ये बना ले जाता हूँ तो 79 आंसर होगा, नहीं तो आई हैव टू चेक ऑन 73, और अगर वो नहीं होगा तो मैं और पीछे जाता जाऊंगा, बिकॉज मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल है तो 80 से कम 79, वो तो क्लियर कट दिख रहा था नहीं बनेगा, 73 जो मेरे को देखना है, ठीक है। अब 12 पे मेरे को क्या कर सकता हूँ, मैं 11 पे कर सकता हूँ, 11 पे अगर करता हूँ तो 11 फोर जा 44, ठीक है, और रिमेनिंग एक 11 फोर जा 44 और रिमेनिंग एक और रिमेनिंग वन, तो 43 आ जाएगा। अगर 43 इधर करता हूँ तो दैट बिकम 75, विच इज अगेन नॉट अ, सिंस 75 इज नॉट अ प्राइम नंबर तो मैं वो केस नहीं कंसिडर कर सकता। अच्छा और एडजस्ट करें, अगर मैं 10 यहाँ ले लूँ, ठीक है, 10 यहाँ ले लूँ 41 हो जाए, 40 हो जाएगा, एक यहाँ ले लूँ 42 बन जाएगा, और एक स्किप करा दूँ 41 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या करा, 41 के अराउंड मेरे को, मैंने बस डिफरेंस क्रिएट किया, उस डिफरेंस को मैं नंबर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे काकूरो का लॉजिक ही लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने 41 पे क्या था, पहले 12 पे चेक करा तो वो 48 बन रहा था, 11 पे चेक करा तो वो 44 बन रहा था, 10 पे मैंने देखा कि 10 जो डार्ट्स है मैंने 40 बना लिया, 40 के बाद एक डार्ट को 2 कर लिया तो 42 बन गया, जो रिमेनिंग डार्ट है उसको माइनस 1 के लिए यूज कर लिया, यानी कि मैंने टोटल कितनी डार्ट्स खेली है, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 4 23, यानी कि मैंने 23 डार्ट्स खेली और एक स्किप करा दी। अब जरा इसका देखो स्कोर बन सकता है, बिल्कुल बन जाएगा, 23 में से 8, 1, 10 और 4, 8, 1, 9, 9, 10 और 19 और 4, 23, ये भी बन रहा है, यानी कि 8 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 24 और माइनस 1, तो कितना हो गया, 8 और 2, 10, 10 और 40, 8 प्लस, चेक कर लेते हैं, 8 प्लस 2, 10, 10 प्लस 40, 50, 50 प्लस 24, 74 माइनस 1, 73, परफेक्ट, यहाँ पे 73 बन गया, यानी कि क्या बन सकता है विजय का मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर, एंड दैट इज ऑल्सो प्राइम नंबर होना चाहिए 73। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट, एंड पजल बेस्ड सेट था। अगर एग्जाम फेज की बात करो तो ये ऑब्वियसली डुएबल सेट है और आराम से ये बनाया जा सकता है, मतलब 10 से 12 मिनट में ये सेट आराम से क्रैक हो सकता है, इनफैक्ट 8 से 9 मिनट में निकल सकता है। एंड सिटर सेट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1-2 तो एकदम ईजी था, 3 के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन है, 4 में थोड़ा लॉजिक लगाना था, 1-2 तो तुरंत निकल सकता था, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।